नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑर्डर ट्रिप में। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव, और मेरा गांव है मूलापुर, जो कि भदोही डिस्ट्रिक्ट में ही है। आपने देखा होगा मेरा पिछला व्लॉग जिसमें हम सीतामढ़ी और सिमराद गए थे, तो उसी के पास मेरा गांव है, करीब 6-7 किलोमीटर दूर, और ये भी बनारस और इलाहाबाद के बीचों बीच में है। तो आज मेरे गाँव में एक यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ क्या, वो महायज्ञ है और करीब 10 दिन तक चलेगा। तो उसके लिए आज फर्स्ट डे है, और आज एक रथ यात्रा निकाली जा रही है जो मेरे गांव से निकलेगी और करीब 20-25 गांव होते हुए एक सर्कल में वापस गांव पे आएगी। तो हम लोग बनारस से सुबह निकले थे, मैं और मेरे पेरेंट्स और ईशान, बाकी लोग नहीं आ पाए, वो लोग एक दो दिन के बाद आएंगे। तो हम लोगों ने बीच में ही ज्वाइन किया है और करीब आधे डिस्टेंस तक वो रथ पहुंच चुका है, अभी हम लोगों ने रास्ते में देखा। और थोड़ा मैं आगे आके यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, बस वो रथ आने वाला है और इसके बाद फिर हम लोग गांव में पहुँचेंगे। तो देखते रहिए कैसे ये यात्रा निकल रही है, क्या क्या है इसमें। तो आगे रथ पर मेरे चाचा जी और चाची जी बैठे हुए हैं और उनके हाथ में कलसा है, और इसके साथ दो बस भी है जिसमें गाँव के कुछ लोग बैठे हुए हैं, और करीब 30-40 बाइक पर भी लोग हैं जिनके हाथ में एक झंडा है जय माता दी का। तो वो लोग भी आ रहे हैं और मिलता मैं हूँ आपसे, आप देखते रहिए। गांव से 2-4 लोग यहाँ सामने खड़े हैं, आप देखिए हाथ में झंडा लेकर, और ये लोग भी वेट कर रहे हैं कि वो रथ यहाँ पर आए और फिर इसको ज्वाइन करें। तो बस एक दो मिनट के अंदर वो रथ आ जाएगा। वैसे ये रोड है वो आगे जा रही है मिर्ज़ापुर, ये जस्ट आगे चली आएगी, यहाँ से हार्डली 10 किलोमीटर है मिर्ज़ापुर और विंध्याचल। विंध्याचल मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है, आप जानते ही होंगे। तो बस हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं बाइक वाले जितने भी हैं ऑलमोस्ट आ चुके हैं, हाथों में झंडा लिए, और रथ भी इसके पीछे ही होगा, बस कुछ ही देर में आ जाएगा, उसके बाद हम लोग पीछे पीछे चलते हैं गांव तक। और ये आ गया रथ, आगे देखिए रथ के पीछे डीजे भी है, और ये ब्राउन कलर के दो घोड़े, इस पर हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा दृश्य है दोस्तों। पीछे ये दो बसेस भी हैं, बसों में गांव के लोग बैठे हुए हैं। और अब यहाँ से ये बस टर्न लेगी राइट साइड में, और फिर अंदर 5-6 गांव होते हुए हम लोग अपने घर पे चलेंगे। तो आइए पीछे पीछे चलते हैं। जय माता दी। तो हम लोग इस बस और रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये आप लेफ्ट और राइट में देखिए, ये बाजरे की खेती है। तो बाजरा एक अनाज होता है जैसे गेहूं होता है, और इसकी भी हम लोग रोटी बनाते हैं, खासकर ठंड के सीज़न में, ये बॉडी को बहुत गर्म कर रखती है। तो इसके दाने होते हैं, दाने को पीस कर आटा बनता है और फिर उसकी रोटी बनती है। तो इस साइड में ये काफ़ी फेमस है, बाजरा आपको हर जगह मिल जाएगा। और ये जो रथ यात्रा निकली है, मैंने बताया आपको कि बहुत सारे गांव बीच में पड़ते हैं, तो स्टार्ट हुई हमारे गांव से जिसका नाम है मूलापुर,
और फिर वहाँ से आगे एक मतलब करीब एक सर्कल बना के हम लोग चल रहे हैं, तो मुलापुर, डेरवा, भवानीपुर, गोपपुर, जगन्नाथपुर, जिला तिवारीपुर, और फिर फाइनली बरजी, और वापस हम मुलापुर में जाकर ये ख़त्म होगी। तो हमारे चाचा जी हर साल ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, खासकर मुंबई में, वो मुंबई में रहते हैं, और अभी गांव पर भी पिछले 2 साल से शुरुआत किया है। लास्ट ईयर कोरोना हो गया था तो नहीं हुआ, और उसके पिछले साल हुआ था 2019 में, और ये भी 2021 चल रहा है, तो आज से ये स्टार्ट होगा। और 10-12 ब्राह्मण और पुजारी बुलाए गए हैं बनारस से, तो कल से यज्ञ स्टार्ट होगा, और 18th को लास्ट डे होगा, उस दिन पूर्णाहुति होगी। और ये है धान चावल, और आप देखिए यहाँ से वहाँ तक पूरा धान की खेती है। वैसे धान की कटाई का समय आ गया है, मैक्सिमम धान कट चुके हैं और कुछ रह गए हैं। और अगर ये सामने देखिए जो ब्लू कलर का शेड है, ये राइस मिल है, और यहाँ पर चावल निकाला जाता है धान से, तो धान की कुटाई होती है और फिर चावल बनता है। तो बस आगे 2 गांव और है, उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे। ये सामने खड़े हैं कुछ लोग मेरे गांव के ही, तो ये हम आ गए मेरे गांव, और यहीं पर एक मंदिर है जिसको हम लोग बोलते हैं चौरी माता। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम लोग रुक गए हैं, और शायद थोड़ी सी पूजा यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद फिर घर पे चलेंगे। तो गांव के सारे लोग यहाँ पे रुक गए हैं, ये सारी महिलाएं हैं, हाथ में कलशा है इनके पास। अभी मेरे चाचा जी हैं, चाची जी हैं, यहाँ से सारे गांव वाले, सारी औरतें पैदल उतर के वो कलशा लेकर अब घर की तरफ हमारे चल रही हैं, ये रोड पर। और घर जो है वो करीब इस साइड में पड़ेगा, वो सामने पेड़ के पीछे। तो आगे हम लोगों को ऐसे चलना है, और उसके बाद फिर वहाँ पे मिलते हैं। अरे बस हाँ हो आए, आवत रहन ब्रेकर पड़ी है, अच्छा ब्रेकरवा पे उलट गए हैं, अच्छा उनके घोड़े में लग गया थोड़ा चोट। कहाँ कहाँ इधर? अरे वही जिला हो रही, माने यही आवत रहन जिला हाँ हो रही हाँ हाँ दू जने संगे रहन गिर गए और चोट लग गया उन्हें। घर पे ये मेरा घर है, और वो पीछे वाले मेरे चाचा जी का घर जिनका ये यज्ञ हो रहा है। और ये आप देखिए, ये सामने एक टेंट लगाया गया है,
वो सामने जो है मार छवाया गया है और वहीं पर यज्ञ कल से स्टार्ट होगा। तो सारी औरतें गांव की यहां पर आ चुकी हैं और अपना कलसा यहां पे रख दिया है। और कल इसी घर के नीचे ये जो माड़ छवाया गया है, माड़ इसे बोलते हैं, और यहीं पर यज्ञ किया जाएगा। तो मुझे लगा कि आज ये जो यज्ञ हो रहा है मेरे गांव में, मुझे शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ कि आज का दिन कैसा रहा। तो आज से ये स्टार्ट होगा और करीब 8 दिन तक चलेगा, 18th को लास्ट है। और अब सब लोगों को यहाँ पे नाश्ता वास्ता कराया जाएगा, उसके बाद सब लोग अपने घर चले जाएंगे, फिर आगे का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।